श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण में दिए गया एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाला हूँ, जिस उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा ने यानी गुरुजी ने अपने जो प्रवचन है या अपनी जो शिव कथा है उसमें उन्होंने बताया है। आप कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिस बिजनेस में आपको डर लग रहा है कि यार ये बिजनेस मेरा चलेगा कि नहीं, ये दुकान मेरी चलेगी कि नहीं, ये मैं फर्म डाल रहा हूँ इससे मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं, मैंने पहले भी इस काम को करके देखा लेकिन मेरी दुकान नहीं चली, मेरा काम नहीं चला, इस प्रकार के आपको मन में शंका है, लेकिन आप चाहते कि आपकी दुकान हो, आपका कोई व्यवसाय हो, इस प्रकार का कोई नया काम आप करना चाहते हैं, तो एक बहुत छोटा सा उपाय है, अगर वो आप करते हैं तो आपकी दुकान या आपने जो भी नया काम आप शुरू कर रहे हो वो 100% चलेगा और अच्छा चलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको जानना है कि वो क्या उपाय है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिषमंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको आम के पत्ते की, जो हरे पत्ते होते हैं आम के पत्ते की आपको बांद्रवाल बनाना है। बांद्रवाल का मतलब होता है आड़, जिसको आड़ कहते हैं ना, जो घर के सामने यानी कि दरवाजे के सामने जो बांधते हैं हम लोग उसको बांद्रवाल भी बोलते हैं और आड़ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की आपको एक आड़ बनाना है, बांद्रवाल बनाना है, उस पर कितने भी पत्ते आप लगा सकते हो लेकिन हरे पत्ते होना चाहिए, आम के पत्ते होना चाहिए, कोई दूसरे पौधे के पत्ते नहीं होना चाहिए। जो भी आप दुकान खोलने वाले हो, जो भी व्यवसाय खोलने वाले हो, उस दुकान में जो भी आपने ले रखी किराए से या खरीद रखी जो भी है, उसको दुकान का उद्घाटन करने का जो आपने समय निश्चित किया है, जो भी आपने मुहूर्त निकाला होगा, उस मुहूर्त से या उस दिन से 7 दिन पहले उस बांद्रवाल को आपको उस दुकान पर लगा के जाना है, यानी उस दुकान के जो गेट है उस गेट के ऊपर उस बांद्रवाल को बांध के जाइए। 7 दिन पहले आपने जो मुहूर्त निकाला उस, जैसे मान लीजिए आपने संडे का मुहूर्त निकाला है तो संडे से पिछले 7 दिन गिन लीजिए, यानी पिछला संडे आएगा तो उस संडे को आप जाके, मैं संडे तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप संडे को ये काम करें, जो भी पंडित जी ने आपको मुहूर्त दिया हो उस मुहूर्त के 7 दिन पहले जाके आपको वो बांद्रवाल लगानी है। इसके बाद 7 दिन बाद जब वो मुहूर्त का दिन आएगा उस दिन आप क्या करेंगे, उसके पहले या उसके एक दिन पहले आप किसी आम के पेड़ के नीचे जाके, जो आम के पेड़ के नीचे जो पत्ते पड़े होते हैं, सूखे पत्ते पड़े होते हैं, उस सूखे पत्ते को आप ले आइए, कुछ पत्ते आप वहाँ से उठा लाइए और उस पत्ते को जला लीजिए। जलाने के बाद क्या होगा, वो राख बन जाएगी यानी कि भस्म बन जाएगी। उस भस्म में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चंदन मिला लेंगे और उसको आप एक लिक्विड टाइप का बना लेंगे, जैसे जिस पर चंदन लगाते हैं, तो भस्म और चंदन ये दोनों मिला के आप उसको ले जाइए दुकान में जहाँ पर आप मुहूर्त करने वाले हैं। तो आप वहाँ अंदर जाने से पहले आप जहाँ पर आपने बांद्रवाल बांध रखी है, जहाँ पर आपने जो आड़ बांध रखी है, उसके दोनों साइड आप क्या करेंगे, स्वस्तिक बना देंगे। और स्वस्तिक बनाने के बाद आप शटर खोलिए या जो भी दरवाज़ा वो खोलिए और आप अंदर प्रवेश कर जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो व्यवसाय है, जो दुकान है, जो कोचिंग है, जो भी आप खोलना चाहते हैं वो बहुत चलेगी। आप ये जो उपाय है वो करके ज़रूर देखिए। आशा करता हूँ कि ये उपाय आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मैसेज के थ्रू या जो कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।